तो वो हमारे साथ भसीन जी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे मार्केट्स पे ही राय जानना चाहेंगे कि जो पिछला हफ्ता था, जैसा कि आप हमारे दर्शकों को गाइड भी कर रहे थे कि काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहेगा, गिरावट आते हुए दिख सकती है, पर क्या ये हफ्ते एक रीबाउंड की उम्मीद करें? क्या नज़रिया बन रहा है मार्केट्स पे? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक। बिल्कुल, देखो, आपको भाई 700-800 पे कहा था, घर पैसा ले जाओ, पैसा वो है जो घर आ जाए, आप समझे। और उसके बाद जब मौका आता है, मेरे को भी लगा था मौका आएगा जल्दी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं कि एक हफ्ते में ही मौका आ गया। तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी करेक्शन जो थी वो अनवॉरंटेड, क्या वॉरंटेड थी, लेकिन इतनी शार्प और फिरोशियस बुल मार्केट में ऐसा होता है। अब आपके लिए तीन चीजें हैं, एक अच्छा मॉनसून, भी अच्छी अर्निंग्स, थ्री जो जो अटकली है 60% और 55। मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं, मैं वोटिंग पे बस, लेकिन ग्लोबल क्यूज को आप कैसे इग्नोर करेंगे? डाउ न्यू हाई पे जा रहा है, बॉन्ड यील्ड घट रही है, तीन रेट कट है, तो ये मौका फिर नहीं आएगा। हाँ, वॉलिटिलिटी आपके साथ जो है, मेरे हिसाब से कल और परसों से वॉलिटिलिटी थमेगी। वॉलिटिलिटी इंडेक्स हैज पीक्ड अकॉर्डिंग टू मी, इट विल ओनली कम डाउन, मीनिंग मार्केट स्थिर हो जाएगी, एक ही दिन में बढ़ेंगी नहीं, लेकिन स्थिरता अगर आ जाए तो इन्वेस्टर को उसकी ज्यादा जरूरत है। तो सृष्टि जी, मैं अभी भी सोचता हूँ कि 14-15 से बाजार की डायरेक्शन अपवर्ड है, और मुझे बहुत एक स्वीट रैली मे बी एंड ऑफ द मंथ तक दिखती है, जब सारी अटकलियां हो जाएंगी। देखिए, द पावर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स इज सुप्रीम। 20-21 हज़ार करोड़ का सिप है, नए फंड लॉन्चेस है, नए बुक, तो ये सब बता रहा है कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास रिटेल फ्लोस की वजह से चल रही है। फॉरनर्स का तो बरसाती मेंढक है, जब मौका मिलता है आएंगे, जब नहीं मिला, जहां भी जाना है, चाइना जा रहे हैं, वो उनकी इच्छा है। मुझे लगता है इंडिया इज नॉट वन मार्केट विच यू कैन इग्नोर, तो ये मौका लेने का है। माइंड कीजिए, 14-15 तारीख को पहले भी आपको कहा था, ले लीजिए फ्राइडे को, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो आपके प्रेफर्ड स्टॉक्स है उनमें धीरे धीरे एंट्री कीजिए, एंड एज वी गो फॉरवर्ड, once we are above the wall of worry of the election, market should be supreme. ठीक है, तो भसीन साहब, आज आपके लिए, आपके तरफ से शेयर कौन से होंगे सर, कहां पर आप दांव लगाने की सलाह देंगे? पहली बात तो बता दूं, वेदांता आपको बहुत जोर से कहा था, 260 300 320 400 395 700, कल न्यू हाई मारना है 420, आज वेदांता 420 के ऊपर ही जाएगा, तो वेदांता में बने रही है 475 का नियर टर्म, ईयर एंड 750 का टारगेट, जब 6 कंपनियों का डीमर्जर हो जाएगा, ये एज ए डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियो में भी है। दूसरा, फिर मैं रिएट्रेट करता हूँ, कोल इंडिया के रिजल्ट्स बहुत शानदार हैं, मर्चेंट पावर में 25% जो बेच रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है, डेट फ्री कंपनी है, 525 का टारगेट अभी भी कायम है, 485 का नियर टर्म। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभिषेक जी, रोज नए आइडिया देना भी मुश्किल है, और जिसमें हमारे को कन्विक्शन है उसी में पैसा ज्यादा बनता है। लोग बाग ने हर बारी स्टेट बैंक को 550 की जगह दूसरी तरफ देखना शुरू किया, लेकिन स्टेट बैंक ही 850 हो गया। तीसरा, मैंने आपको इंजीनियर्स इंडिया दिया था, 215-17 में आंखें बंद करके लीजिए, 275 का पहला टारगेट, और एक साल के लिए रखेंगे तो 350 का टारगेट। आज की टॉपिक अगेन कोल इंडिया है, मेरे को नेल्को बहुत पसंद है, क्योंकि एल्यूमिनियम में, बॉक्साइट में उस जैसा प्लेयर वर्ल्ड में नहीं है, तो नेल्को इज हेडेड टू 160-167 का स्टॉप। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय फेवरेट शेयर, 112 रुपए में, 111 में प्लेसमेंट हुई 4,000 करोड़ की विद वारंट ऑफ इंडिया बुल, 115-17 में आपके पास फ्लोर प्राइस है लोअर की, यहां से 150 रुपए का भाव आपको बहुत जल्दी दिखेगा। 22 तारीख को इसकी डीमर्जर की बात एनसीएलटी में है, ये एक नो ब्रेनर है, 150 का पहला टारगेट, एक साल रखे तो 250। ठीक है, ये तीन शेयर, उसमें से कुछ आपको रेपुटेशन लगेंगे, लेकिन भसीन साहब ने जो बात कही कि जहां पर कन्विक्शन हो उनके साथ जाइए, कोल इंडिया वही वाला शेयर है, इंडिया बुल्स रियल और नाल्को, ये तीन शेयर भसीन साहब की तरफ से। चलिए अब नतीजों का विश्लेषण करेंगे एक एक करके, और लेकर आएंगे अपना खास सेगमेंट रिजल्ट एक्सपर्ट। और भसीन साहब रोज हमारे साथ जुड़ते हैं, अब तो रिजल्ट सीजन खत्म होने की ओर है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आती है तारीख 15 तारीख वाली,
तो नतीजों का जो लिस्ट है ना वो बढ़ती जाती है। आज भी लंबी लिस्ट है, फटाफट एक एक करके राय लेंगे और क्विक फायर अंदाज में एक एक इस पर रणनीति आपकी बनाएंगे। बसीन साहब, शुरुआत करेंगे कल्याण ज्वेलर से। नतीजे इसके ठीक ठाक दिख रहे हैं, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, हालांकि मार्जिन थोड़ा सा कमजोर है। कल्याण ज्वेलर्स कैसे लग रही है कंपनी आपको, नतीजे कैसे लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल रिजल्ट अच्छे हैं, टाइटन के भी रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन क्या है, ये स्लैक सीजन है, यहाँ से अक्टूबर नवंबर तक कोई शादी का सीजन नहीं है और अक्षय तृतीय हो गई, तो बेस्ट ऑफ द सीजनल फैक्टर हैज प्लेड आउट। और जैसे जैसे सोने का भाव बढ़ेगा अभिषेक जी, उसकी डिमांड में कटौती होती है, बढ़ती नहीं है, तो होल्ड है, अगर आपके पास है डोंट चेस दिस स्टॉक। ठीक है, होल्ड है आपके लिए कल्याण ज्वेलर्स का। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, इसमें नतीजे आए हैं अच्छे, हालांकि प्रॉफिट पर थोड़ा सा दबाव है, मार्जिन पर भी दबाव है, लेकिन अच्छे नतीजे हैं, रेवेन्यू में करीब करीब 8-8.5% के आसपास कुछ हाल है। फिनोलेक्स ये कंपनी कैसी लगती है भजीन साहब आपको? दोनों फिनोलेक्स इंडस्ट्री, फिनोलेक्स केबल बहुत अच्छी लगती है। फिनोलेक्स केबल हमारे यहाँ काफी देर से है, वो हमारा बेस्ट प्रॉक्सी प्ले था ऑन द एक्सपेंशन इन केबल नेटवर्क एंड सो ऑन। फिनोलेक्स इंडस्ट्री भी होल्ड है। फिनोलेक्स केबल में मैं जरूर कहूंगा, कोई भी डिक्लाइन लीजिए तो लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हाउसिंग कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी बढ़ रही है, फिनोलेक्स केबल इज अ मार्केट लीडर देयर। अमल फार्मा अगला शेयर हमारे लिस्ट में, प्रॉफिट इसका भी डबल हुआ है और मार्जिन भी बढ़िया से इंप्रूव किया है पिरामल फार्मा ने, इसको बना के रखें, किसी के पास अगर नहीं है तो खरीदें इसको। 100% 70 वाला 140 हो गया है एक साल में मेरा, मैंने इसको बहुत जोर से कहा था 70-75 में जब बहुत पेसिमिज्म थी। हाउस ऑफ पिरामल से वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है और 140 पे भी मैं कहूंगा शेयर महंगा नहीं है, लेने की चेष्टा कीजिए या सिप कीजिए, लेकिन डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ये शेयर आगे भी आपको बहुत अच्छे पैसे देगा। ठीक है, आगे भी बढ़िया पैसा बनाकर देगा आपको पिरामल फार्मा। आयशर मोटर्स के अनुमान के मुताबिक नतीजे हैं, डिविडेंड दिया है ₹51 का और प्रॉफिट में 18% का उछाल है और अब मार्जिन भी करीब करीब 2% की इंप्रूवमेंट है, 26% के आसपास की मार्जिन भी है। आयशर मोटर, वसीम साहब आपकी राय? अभिषेक जी सब कुछ प्राइस में है, आयशर और टाटा मोटर में मेरा यूनिवर्सल ओपिनियन है, एवरीथिंग इज इन द प्राइस। बहुत अच्छे मैनेजमेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। मेरे यहाँ पे सिर्फ एक पिक है, अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड ने कल और परसों में दो न्यू हाई मारा है। अशोक लीलैंड मेरे लिए ₹300 का स्टॉक है, तो मैं कह रहा हूँ इनमें 50% अपसाइड नहीं आएगा, अशोक लीलैंड में 50% अपसाइड जरूर आएगा। तीन चीजें, बस मार्केट में 53% मार्केट शेयर, इंडिगो फ्लाइंग हाई जिसमें सारी ब्लू बसेस उनकी हैं, ईवीज में अच्छा एक्सपेंशन और उनका जो इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है दोस्त, वो हॉट केक की तरह बेच रहा है। तो कन्वर्ट आयशर एंड टाटा मोटर इनटू अशोक लीलैंड, ये ₹300 चले जाएगा आपको इस साल में। आयशर और टाटा मोटर्स में चीजें प्राइस्ड इन हैं, सब कुछ भाव में है जो भी पॉजिटिव से, अशोक लीलैंड में शिफ्ट करने की आपको जरूरत है ऐसा वसीम साहब का मानना है। अगला शेयर थर्मेक्स, अनुमान के मुताबिक नतीजे, मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, एबिडा के फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन, 36% का उछाल, थर्मेक्स इसमें क्या करें भजीन साहब? अभिषेक जी मैंने पहले भी कहा थर्मेक्स, एबीबी, सीमेंस आज न्यू हाइस पे चले जा रहे हैं क्योंकि नए लॉन्चेस हैं म्यूचुअल फंड से ऑन कैपेक्स, कैपेक्स इज फुली प्राइस्ड और अब आप एक साल फॉरवर्ड की अर्निंग ले रहे हैं, ये सस्ते शेयर नहीं है, इनमें आपके पास अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी उतना नहीं है, अर्निंग्स और उनकी जो मैनेजमेंट है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैंने थर्मेक्स 13-14-1500 में लिया हुआ है, 6000 रुपए पे जस्टिफाई करना मुश्किल है। मैं अभी भी सोचता हूँ आईटी एंड एफएमसीजी आर गुड रेयर गार्ड शेयर्स जहाँ पे प्राइस अपॉर्चुनिटी इज बेटर, सो होल्ड फॉर मी इज द रेटिंग एंड स्लोली बट श्योरली इफ यू हैव इट बुक सम प्रॉफिट। थोड़ी सी मुनाफा वसूली करने की सलाह है, लेकिन आप इसमें होल्ड कर सकते हैं शेयर को। अगला शेयर है चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, नतीजे अच्छे हैं, एनआई 32% बढ़ी है, मुनाफे में 27% का, पीपीओपी में 29% का उछाल है, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, वसीम साहब आपकी राय? सर होल्ड है ये, क्योंकि देखिए ये यूज्ड कार मार्केट में श्रीराम फाइनेंस के बाद सबसे बेस्ट प्ले है और ये यहाँ एक मार्केट लीडर है जिसकी पेडिग्री मैनेजमेंट और जिसको कहते हैं ट्रस्ट। सोने का भाव क्यों मथुरा मनापुरम है, क्योंकि ट्रस्ट है,
इसी तरह से श्रीराम फाइनेंस और चोला उस केस में बहुत अच्छे हैं, तो मैं सोचता हूँ होल्ड है। स्टॉक ने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं, बट अभी अभी आई वुड एडवाइज बोथ दीज कंपनीज टू बी होल्ड। एक और आपसे भसीन साहब, एक क्या दो एक साथ बता दीजिएगा, स्पेंसर रिटेल के नंबर आए हैं, एबिटा लॉस है 12 करोड़ रुपए का, घाटा इनका बढ़ा है, ये कमज़ोर नतीजे स्पेंसर रिटेल के। और दूसरी जो कंपनी आपसे हम जानेंगे वो है आरती इंडस्ट्रीज़ का, इसके प्रॉफिट में, एबिटा में, रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा नहीं, मॉडरेट हम एक बढ़ोतरी देख रहे हैं। तो स्पेंसर रिटेल और आरती इंडस्ट्रीज़, बस ये बता दीजिए इसमें क्या करना है। मैं स्पेंसर अवॉइड कीजिए, और जैसे मैंने पहले भी कहा ट्रेंड की जगह ABFRL मुझे बहुत पसंद है, एज ए जो आपकी बिजनेस ABFRL में फैशन और रिटेल का है वो आई थिंक आर्ग्यूएबली द बेस्ट है, और वहाँ ग्रोथ पैटर्न बहुत स्ट्रांग है। आई वुड से कन्वर्ट स्पेंसर इनटू ABFRL। दूसरा आपने जो नाम लिया है मैं ध्यान से उतर रहा है, कैन यू रिपीट दैट? प्लीज भसीन साहब, दूसरा आरती इंडस्ट्री। आरती हमने 450-450 में लिया है। देखिए अभिषेक जी, स्पेशलिटी केमिकल में बॉटमिंग आउट, जो प्रोडक्ट आरती बनाती है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड सिनेरियो में है। एक आध क्वार्टर और इनको स्टेबलाइजेशन में लगेगा, लेकिन आरती, अथुल, नवीन फ्लोरिन और SRF, ये टाइम है इनमें पैसा डालने का। चाइना इज कमिंग बैक वेरी स्ट्रॉन्गली, कमोडिटीज में है और स्पेशलिटी, तो आरती ऑन डिक्लाइन बाय, आपको सिप करना है सिप कीजिए। 450 वाला 660 हो गया, लेकिन इसमें पोटेंशियल है कि ये 850 भी चले जाए इन दिस ईयर। उसी तरह से मुझे बहुत बुलिश हूँ ओवर द नेक्स्ट 6 months ऑन SRF, नवीन फ्लोरो एंड अतुल। ठीक है बसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के लिए, और रिजल्ट एक्शन पर अपनी बिल्कुल सटीक राय, बेबाक राय भी शेयर करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। भसीन साहब नमस्ते, मार्केट के अंदर कल अच्छी कवरिंग आई है और ये कवरिंग क्या कॉन्टिन्यूटी इफेक्ट दिखा सकती है, आपको कितना ट्रस्ट है सर? आपका जो नियम कल के बॉटम बने हैं वो हफ्ते के, इस महीने के बॉटम हो सकते हैं, थोड़ा आइडिया दे सकते हैं सर? हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, सृष्टि और अभिषेक को, बिल्कुल देखिए 22,800 पे आपको बेचने को कहा था 1,001 पॉइंट का करेक्शन है, 21,800 कल आ भी गया। अभी हमारी कहने से नहीं है, अपने आप शेयर बाजार है, अपने आप टॉप और बॉटम बनाएगा। 1,000 पॉइंट की वॉलेटिलिटी हफ्ते 10 दिन में आना भी बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है वो हो चुकी है। देखिए तीन चीजें हैं, एक तो FI सेलिंग शायद कंटिन्यू करे क्योंकि यहां से पैसा चाइना जा रहा है, और जब तक आप 23,000 नहीं जाओगे, इलेक्शन के रिजल्ट सब आ नहीं जाएंगे, तब तक FI शायद एक होल्ड रेटिंग पे रहेंगे, उनको कोई जल्दी नहीं है, और वैसे भी उन्होंने इतनी बड़ी रैली में इतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं किया। अब चाइना की वैल्यूएशन मेटल में तेजी है तो वो वहां पैसा जाएगा। दूसरा, आपके यहाँ इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड और रेट कट के चांसेस बढ़ रहे हैं जैसे मैक्रो और माइक्रो इम्प्रूव हो रहा है। तीसरा, मुझे लगता है कि जो इलेक्शन की भी वर्डिक्ट है ये अब तय हो गया है कि ऑलमोस्ट अगर मेजॉरिटी भी नहीं आई लेकिन मिलजुल के 320-30 तक का, ये जो आपको बाजार का एस्टिमेट है, मैं इस पे स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं आती, 21,750 21,800 मेरे हिसाब से टूटना नहीं चाहिए डिम्पी जी, और मुझे लगता है यहां से स्लोली बट श्योरली वी शुड रीगेन ग्राउंड। हाउएवर, आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा, इंडेक्स के ऊपर टिप्पणी करना मुश्किल है, लेकिन कल आपने देखा कि बैंक्स में, कल HDFC बैंक जो मैं आपको कह रहा हूँ सिप करने के लिए, उनकी अब वेटेज बढ़ेगी, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी, क्योंकि तीनों चीजें, इन्फ्लेशन, अच्छा मानसून और ब्याज दरों में घट में, बैंकों में मुझे बहुत अच्छा यहाँ ग्रोथ दिखता है, तो IT, बैंक्स, मेटल शुड लीड द रैली, एंड इंडेक्स में हैव मेड अ बॉटम at this 21,750-21,800। ठीक है सर, अपने जरा स्टॉक्स का अपडेट भी दे दीजिए और नए शेयर्स जो भी हैं आपके जरा वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए कोल इंडिया आपको कहा था वही 447 पे आपको बाय कही थी, 485 का टारगेट अभी भी कायम है। नैलको मैंने कल भी कहा आपको 71-73, वो हाई डे हाई पे बंद हुआ, और मेरा फेवरेट वेदांता
ऑलमोस्ट न्यू हाई की तरफ है, 420 क्रॉस करेगा ये आज या कल में तो न्यू हाई जाएगा, 475 का टारगेट है। इंजीनियर्स इंडिया इज अनदर स्टॉक जो मैंने बहुत रेकमेंड किया, 217 पे 207 का स्टॉप लॉस, 270 का टारगेट। इंडिया बुल रियल एस्टेट भी मैंने कहा एक्यूमुलेट कीजिए, 15-17 में ये 150 का भाव है। आज आपके लिए तीन पिक है। देखिए मेरे लिए ग्रुप ऑफ द ईयर 2024 एंड बियॉन्ड इज एबी ग्रुप। वोडाफोन जो अगली डकलिंग था वो एक ब्राइट स्वान बन गया है, और उसने जो कैपिटल रेस किया है सारी कंपनियों में जान डाल दी, और वोडाफोन में हर बारी हर कंपनी को कुछ ना कुछ दबाव देना पड़ता था। आज की डेट में आई थिंक वोडाफोन इज अ गोल्डन गूस जो आगे जाते हुए ये सारे ग्रुप को रीरेट करेगा। तो मेरे सारे पिक्स वाए वोडाफोन पे, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं 25 से कम मत बेचना एक साल में। आप आज देख ही रहे हैं बहुत बड़ी ब्रोकरेज ने निकाली है रिपोर्ट के 32% CAGR अगले तीन साल में आपको दिखेगी, डिस्पाइट सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड यील्ड रेस करना बिकॉज ऑफ द लिटिल डेट बर्डन विच दे विल हैव टू सर्विस फॉर द गवर्नमेंट मॉरिटोरियम, लेकिन वो पार्ट एंड पार्सल है। मुझे लगता है दिस री इन्फ्यूजन विल सी मोर यूजर्स कम बैक एंड द ARPUs गो अप। देर आर टू प्राइस हाइक्स विच कैन बी इन द ऑफिंग इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो आज का टॉपिक ABFRL है। ABFR आपने कल AB कैपिटल के रिजल्ट दिए, देखे बहुत शानदार थे, ABFRL के रिजल्ट भी आने हैं, और मैं कह रहा हूँ इस बार बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ये कॉमन मैन की रिटेल शॉप है, चाहे पीटर इंग्लैंड हो, वैन हुसैन हो, और 25,000 की मार्केट कैप अगेंस्ट 1.7 लाख करोड़ फॉर ट्रेंड इज स्लाइटली अनरीजनेबल। मुझे लगता है यहाँ रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। 275 का पहला टारगेट जो इसका प्रीवियस हाई था, और ये 350 भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अल्ट्राटेक 140 मिलियन टन कैपेसिटी और सीमेंट प्राइसेस फिर बढ़ने को तैयार है। जैसे ये सीजन खत्म होएगा आपको पता है सीमेंट इज गोइंग टू बी मच इन डिमांड, जिस तरह से कंस्ट्रक्शन कैपेक्स कुछ चल रहे हैं। अल्ट्राटेक मेरे हिसाब से वापस 10,000 का टारगेट, 9390 10,000 मिनिमम टारगेट है, इसके ऊपर ये 11,000-12,000 भी चले जाए तो कोई डोर आए नहीं, ये सबसे ब्लू चिप स्टॉक है टू ओन। तीसरा अगेन लार्ज कैप में ग्रासिम, मुझे लगता है ग्रासिम जो सम ऑफ पार्ट्स है, जैसे उसकी होल्डिंग कंपनी है फॉर अदर ग्रुप कंपनीज, और जो उसका VSF और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो 2385 में लीजिए, 2300 का स्टॉप लॉस, 2700 का टारगेट। ये तीनों ब्लू चिप स्टॉक्स मेरे को लगता है यहां से आउट परफॉर्म करेंगे। एज ए डिस्क्लोजर एबी ग्रुप के काफी शेयर हमारे पोर्टफोलियो में है। ठीक है, तो तीनों के तीनों शेयर बसीन साहब, आज तीनों के तीनों शेयर आज आदित्य बिरला ग्रुप के बढ़िया हैं। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड, अल्ट्राटेक और ग्रासिम, ये तीन शेयर आपको खरीदारी के लिए वसीन साहब की तरफ से। लेकिन चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट, जिसमें नतीजों के बाद आपकी रणनीति बनाएंगे और लेकर आएंगे रिजल्ट एक्सपर्ट। शुरुआत करेंगे बसीन साहब, JSPL से नतीजे आए हैं, अनुमान के मुताबिक प्रॉफिट हुआ है डबल इसका, और मार्जिन में भी 2% के आसपास का इंप्रूवमेंट है। JSPL आपकी सलाह क्या है सर? सर प्राइस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, 550-600 वाला 1,000 हो गया, और सब अब डाउनग्रेड करेंगे ऑब्वियसली। क्या रिजल्ट दिए, क्या मार्जिन आया, आई थिंक कोई भी डिक्लाइन मीजिए मिलिए। देखिए मैं ये भी कहना भूल गया, हिंडाल्को भी उसी ग्रुप में है, और मुझे हिंडाल्को, वेदांता कोल और कोल इंडिया, ये चारों, और नैल्को, ये बहुत बुलिश है। चाइना में एक तरह से एक न्यू रिवाइवल आया और ये ग्रोथ स्टॉक्स चलेंगे, तो आज हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए JSPL में। बट JSPL हैज बीन दैट आउटलायर इन द स्टील स्पेस, और जिस तरह से उनका इंटीग्रेटेड सेटअप है, मुझे लगता है JSPL तो 1200 रुपए का भाव हो जाएगा इन द नेक्स्ट वन ईयर। अभी हाउएवर आज के लिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द प्राइस। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन साल भर में 1200 रुपए का लक्ष्य। शैलेट होटल्स, इसके भी अनुमान के मुताबिक नतीजे आए थे, आय में 24% का ग्रोथ है, प्रॉफिट यहां पर डबल से ज्यादा हो गया है, और मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है। शैलेट होटल्स, ये कंपनी आपको कैसी लगती है बसीन साहब? अभिषेक जी कंपनी तो सारी अच्छी लगती है, लेकिन इंडियन होटल भी 4 गुना हो गया, आपका लेमन ट्री भी हो गया, शैलेट होटल भी बढ़ गया, और वो बता रहा है कि इंडिया का डेमोग्राफिक प्रीमियम कैसे बदल रहा है। ये सीजन अगेन जो हॉट समर्स होता है, यहाँ जो Tier 3, Tier 4 में होते हैं होटल, दे डू वेल, बट आई थिंक अभी ये सब कुछ प्राइस में है। प्राइस में मुझे इतना लंबा कोई जंप नहीं दिखता, बिकॉज दे विल बी कंसोलिडेशन, और अभी थोड़ा
टाइम लगेगा, तो बाय ऑन डिप्स होएगा, अभी होल्ड की स्ट्रेटेजी। बाय ऑन डिप्स, होल्ड की स्ट्रेटेजी। सनोफी ने नतीजों से निराश किया है, रेवेन्यू में 74% गिरावट है, मुनाफे में 77% की, और हालांकि मार्जिन थोड़ा सा इनका इंप्रूव हुआ है। सनोफी कमजोर नतीजों के बाद वसीम साहब क्या करें, निकल जाएं जिनके पास है? नहीं नहीं नहीं, देखिए इनका रिजल्ट तो वन ऑफ हो सकता है, मैंने पूरे रिजल्ट का नियंत्रण नहीं किया, लेकिन मार्जिन बड़ा है, ये ब्लू चिप, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स है। स्टॉक महंगा है और चीप भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आपको होल्ड करना चाहिए, एक आध क्वार्टर और देखना चाहिए। ये एक वन ऑफ होएगा जिस कारण से इतना एबिटा घटा हुआ है, और वो आपको अंदर मार्केट उसकी बैलेंस शीट पूरी देखनी पड़ेगी किस कारण से था। ये एक पेडिग्री स्टॉक है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत आउट परफॉर्म है। मैं इसमें ये कहूंगा कि अभी होल्ड कीजिए या वेट कीजिए, लेट द मार्केट सेटल डाउन, रिजल्ट्स का एनालिसिस थोड़ा और हो जाए, देन यू कैन अगेन रीवर्क योर थिंग, बट डोंट सेल इट इन अ पैनिक। पैनिक में बेचना नहीं है सनोफी को। BLSE सर्विसेज रेवेन्यू में हल्का उछाल है, लेकिन प्रॉफिट में हिट है 56% का, और इसका मार्जिन भी घटा है। हालांकि ये शेयर पहले चला बहुत है BLS का, BLS को लेकर आपका व्यू क्या है सर? हाँ, तो देखिए ये सीजनल फैक्टर है, आपको पता है जिस बिजनेस में है वहां पे उतार चढ़ाव रहता है, और क्वार्टरली नंबर्स ट्रैक करना इसके लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म ये बिजनेस अच्छा है, बट आई वुड से होल्ड और होल्ड इनटू दिस। हाउएवर मैं अगर अपनी एडवाइस समझूं तो आई स्टिल थिंक इंडिगो इज अ बेटर प्ले ऑन दिस, क्योंकि इंडिगो में जिस तरह से वो फ्लीट एक्सपेंशन कर रहे हैं और ट्रैवलर्स की ग्रोथ है, मुझे इंडिगो बहुत पसंद है। ठीक है, इंडिगो पसंद है BLS ई सर्विसेज के मुकाबले। एक आखिरी शेयर भसीन साहब, GIC हाउसिंग, मुनाफे में 4% की ग्रोथ है, लेकिन इसके अगर हम NII की बात करें वहां पर 14% की भारी भरकम कमी है, PPOP में भी कमी है, GIC हाउसिंग क्या करें? नहीं, आई वुड सजेस्ट आप GIC से निकलिए और LIC हाउसिंग लीजिए, या सबसे बड़ी चीज लेनी है हाउसिंग में तो HDFC बैंक लीजिए, क्योंकि उसमें HDFC भी आ जाता है, और आपको मर्जर के पास जो फ्लैटनिंग ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सूनर रादर देन लेटर आपकी जो निम्स है दे विल स्टार्ट टू शो अप ऑन द अपसाइड, और आपको सबसे बड़ी मॉर्गेज कंपनी HDFC जो मिल रही है बैंक, और बैंक के साथ आई थिंक इट्स अ ड्यूअल विन फॉर यू अगर आपका थोड़ा सा लंबा नजरिया है, तो आई वुड से गो ओवरवेट ऑन HDFC बैंक, दैट कैन बी एन आउट परफॉर्मर, मे बी नॉट इन द नेक्स्ट 3 months बट इन द नेक्स्ट 1 year डेफिनेटली। ठीक है, ठीक है वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और ये तमाम नतीजों पर अपनी बिल्कुल सटीक राय हमारे दर्शकों के लिए शेयर करने के लिए। वसीम साहब नमस्ते, आप पहले तो बहुत शुक्रिया समय फिर से देने के लिए। सर मैं रोज रोज पूछता हूँ आपसे कि निफ्टी का क्या करना चाहिए, आप कितना, आप ही बता रहे हैं कि हाँ इंडेक्स को थोड़ा छोड़ दो, स्टॉक्स में ज़रा ध्यान दो, लेकिन फिर भी एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपने नोटिस किया हो, कुछ आप और बताना चाहते हो इंडेक्सेस पे, तो पहले वही कंप्लीट कीजिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, सृष्टि आपको और अभिषेक को, अरे बच्चे की जान लोगे क्या, 22,800 पे बिकवान बेचने को बोल दिया, 21,800 पे खरीदने को और क्या चाहिए, आदमी की जान लोगे क्या डिम्पी जी? और जिसने नहीं फॉलो किया उसके अपने कर्तव्य में, हम तो कह रहे एक ही चैनल है जहाँ पे सती न्यू दिया था, जान नहीं मेरा, मैं ज्ञान ले रहा हूँ। कहानी आपको 2800 पे सबको कहा बेच दो, पैसा अपने पास रखो जेब में, मनी इज नॉट ऑन द पेपर, घर ले आओ, और 2100 पे का फियर प्ले आउट हो गई है, ले लो, कल भी आपने देखा परसों भी, और 3 गवाह हैं मेरे पे डिप्पी जी अब तो। हाँ नहीं सर गवाह तो हैं, बस मेरे को थोड़ा आगे का रास्ता और दिखा दोगे तो और बेहतर हो जाएगा सर, आगे का रास्ता भी दिखा दीजिए फिर। डिम्पी जी देखिए आगे का रास्ता आसान है नहीं है, और ये इस कारण से क्योंकि इलेक्शन है, रूमर मॉन्गरिंग है, US फेड आज US का CPI डेटा, सो देयर आर सो मेनी इम्पोर्टेंट, बट हमने जो अंडर परफॉर्म करना था वो हो चुका है, हम अगर इसी रेंज में भी रहे कुछ दिनों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मौके आपको मिल रहे हैं, वेदांता न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, आइडिया आपको 6% चल गया, इंजीनियर 10% चल गया, अरे वही शेयर लो जो आपको कह रहे हैं उसमें पैसे की कमाई है, सिर्फ इंडेक्स पे फोकस करना अनिवार्य नहीं है। HDFC बैंक आज आप नई लिस्टिंग देख रहे हो, 4x 3x प्राइस टू बुक,
एचडीएफसी और एचडीएफसी जो मॉर्गेज कंपनी है, लेस देन 2 टाइम प्राइस टू बुक। आंखें बंद करके ले लीजिए और अगले 2 साल मत बोलिए और आपका पैसा 50% अप होएगा। तो आपको अपने आप चूज करने हैं आपका होराइजन क्या है, आपका गोल क्या है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है, वीकली ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म है, थोड़े से लॉन्ग टर्म है तो मुझे लगता है कमोडिटीज बहुत अच्छा मौका है। 2 प्लेस मैंने कहे, आप सीमेंस के नंबर देखिए, एबीबी के बहुत बढ़िया, लेकिन ऑल इज इन द प्राइस। इससे भी बढ़िया नंबर आएंगे इंजीनियर्स और इरकॉन के, और प्राइसेस में कुछ भी आपकी वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो यू हैव टू चूज योर विनर्स एंड लूजर, यू नो वेयर यू वांट टू पार्टिसिपेट। अभी भी मुझे लगता है मार्केट में बहुत अच्छे मौके हैं, कंसोलिडेट हो रही है, बहुत अच्छा है। जैसे आपको कहा 21,800, 22,800, 1,000 की पॉइंट की रेंज अगर हफ्ते में आएगी तो डिम्पी जी यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग रन अवे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग फॉल, यहीं पे 2-3 दिन रह जाए वो भी बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको पता है जैसे जैसे इलेक्शन की अटकलियां आएंगी एंड सो ऑन, बट मैक्रो नंबर्स अच्छे हैं, माइक्रो में डेटा अच्छा आ रहा है, और थर्डली ग्लोबली क्यूज बहुत बहुत शानदार है। मुझे कोई दो राय नहीं कि इंडिया सेट टू आउट परफॉर्म, लेकिन ए बिग इवेंट रिमेन्स द यू नो एलिफेंट इन द रूम, दैट इज द इलेक्शन। ठीक है, तो इलेक्शंस पे नज़र ज़रूर रहेगी। और भसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी, क्योंकि कल हमने देखा कि जितने भी स्टॉक्स आपकी लिस्ट में थे उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और आप हमारे दर्शकों को समय दर समय गाइड भी करते आ रहे हैं। पर आज के लिए भसीन जी कौन से स्टॉक्स जो हैं फोकस में रहेंगे ये भी बताइए, कहाँ पर आपकी रिकमेंडेशंस। आज सृष्टि जी देखिए, नैलको आपको कहा था वो प्रॉफिट से ऊपर हो गया, वेदांता भी प्रॉफिट से ऊपर, इंजीनियर 10% मूव किया, अभी शुरुआत है। इंजीनियर्स और इरकॉन मेरे इस साल के फेवरेट शेयर हैं, यहाँ से 50% अपसाइड मिनिमम, और अगर आप 1 साल बैठे तो 100% अपसाइड, माने 400-500 रुपए का भाव दोनों का आना चाहिए। आज का टॉप पिक अगेन इरकॉन है, 238-40 में लीजिए, 25 का स्टॉप लॉस, 275 का टारगेट। दूसरा मुझे एक्सिस बैंक बहुत पसंद है, आई थिंक नंबर्स उसके बहुत शानदार थे, और अगर कोई शेयर 1200 जाएगा तो वो एक्सिस बैंक है। साथ में बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, मुझे लगता है आज 200 एचडीएफसी और एक्सिस बैंक पे आना चाहिए, 1102 का स्टॉप लॉस, 1175 का टारगेट। और लास्टली कल भी आपको कहा था ग्रेसिव, वोडाफोन ऑन ऑल सिलेंडर्स, अल्ट्राटेक ऑन ऑल सिलेंडर्स, एंड हाउ कैन ग्रेसिव, बीएसएफ बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सम ऑफ पार्ट्स ग्रेसिव मेरे हिसाब से लार्ज कैप में स्टॉक ऑफ द ईयर होएगा, 2700 का टारगेट है, 2700 पास भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अभी 2300 का स्टॉप लॉस रखिए, 2700 का टारगेट। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी, आपको 11:30, आपको 12, आपको 12:15 भी कहा था, वोडाफोन मत मिस करिए, 13:15 कल हो गया, जो और हफ्ते में इसमें जो नए एंट्रेंट्स है जब वो निकल जाएंगे, इसका भाव अगले 1 साल में 25 रुपए का आपको खुल के कह रहा हूं। ठीक है वसीन साहब, मैं ना 2 शेयर आपसे पता करना चाहता हूँ, आपकी वॉच लिस्ट में भी है और आपने इन दोनों के बारे में काफ़ी अच्छे से बोला भी हुआ है, मैं थोड़ा इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। एक तो रतन इंडिया पावर करके है, वो बढ़िया चल रहा था, 9:30 पे आपने दिया था, 11:30 का मोटा मोटी रेट है। एक वोडाफोन आइडिया पे भी आप काफ़ी बुलिश है सर, इन दोनों पे मेरे को बता दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई वापस कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रखे ना, होल्ड कर ले दोनों शेयर्स को आराम से। बिल्कुल, देखिए डिम्पी जी ये शेयर किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि ये आप बोल लोगे 12 रुपए वाले शेयर हैं। अगर आपको सीमेंस बहु 7,000 तो आप बोलोगे भसीन साहब 11-12 वाला शेयर कह दो, 11-12 वाला शेयर में रिस्क रिवॉर्ड भी तो होता है ना, वो ऊपर नीचे बहुत जाता है, लेकिन अंडरलाइन फंडामेंटल देखिए, 2700 मेगावाट है रतन पावर, एनसीएलटी से बाहर आ जाएगा, और मुझे लगता है इसका भाव कम से कम 18 रुपए से नीचे तो बेचने का सोचना ही नहीं। वोडाफोन आइडिया, आपने 20,000 करोड़ की कैपिटल रेस करना था, 85,000 करोड़ आ गया, एक तो सबको अलॉटमेंट नहीं मिली, दूसरा मार्की नेम्स ने इन्वेस्ट किया, तीसरा 4G 5G में एक्सपेंशन हो गई और कैश आ गया, फिफ्थली 4,000 करोड़ की डेट है जो बढ़ सकती है बैंक्स की तरफ, क्योंकि उनके पास कुछ कंप्लायंस के वजह से गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेमेंट करनी है, लेकिन सरकार ने जब स्ट्रेंथ दिखा दी, 10 रुपए पे जो उनकी डेट है वो हो गया, और आपके पास अब 2 प्राइस हाइक्स आने को हैं, 140 का आरपू अगेंस्ट 200 ऑन भारती, कैसे आप रॉन्ग सकते हो। अगर आप में रिस्क की गम्पशन है, मैं खुल के बोलता हूं, तो भारती को आज कन्वर्ट कर लो वोडाफोन, वोडाफोन 25 रुपए हो जाएगा, भारती 2,000 रुपए नहीं जाएगा, ये भी बता दूं मैं आपको। दूसरी बात, रतन पावर 18 का टारगेट और वोडाफोन 25 का, लेकिन
डिम्पी जी, ये आपको पता है क्योंकि ये थोड़े से हाई रिस्क भी है, आप अपनी डिलीजेंस कीजिए, अपने आपको अपने ब्रोकर से डिस्कस कीजिए रिलेशनशिप मैनर से, हम आपको आइडियाज दे सकते हैं जो बाद में जाके आपको यू नो गोल्डन गूस बन सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करना ये आपके अगर जहन में है तो कीजिए। ठीक है, तो दोनों ही काउंटर्स पे आपको राय दे दी गई है, भसीन जी का भरोसा कायम है, पर इस बीच एक बार सिप्ला पे भी नज़र डालिए क्योंकि 2.5% के इक्विटीज़ जो हैं यहाँ पे हाथ बदलाव हुआ है, जहाँ पे प्री मार्केट में 2.5% इक्विटी जो है चेंज इन हैंड्स की है, और हम जानते थे कि ये बड़ी ब्लॉक डील होगी, 2500 करोड़ से ज़्यादा की ये ब्लॉक डील है, जहाँ पे हामिद फैमिली के कुछ मेम्बर्स और साथ ही ओकासा फार्मा जो है अपनी स्टेक सेल कर रहे थे। फ्लोर प्राइस था, प्राइस रेंज था करीब 1290 से लेकर 1350 के बीच में, तो देखते हैं कि स्टॉक प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करता है, और आज का FIDIs का डेटा भी इससे थोड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, तो ये सिप्ला पे आज रहेगी नज़र। पर अभिषेक, चलिए अब वक्त हो चला है भसीन जी से रिजल्ट एनालिसिस का। बिल्कुल, रिजल्ट की एनालिसिस शुरू करेंगे रिजल्ट एक्सपोर्ट सेगमेंट में। वसीन साहब, शुरुआत करेंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे से। नतीजे आए हैं इन लाइन, और एबिडा हालांकि 2-2.5% कमजोर है, मार्जिन में भी थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है वो है आरपू में करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़ोतरी, हल्की सी वहां पर भी, बहुत कोई खास नहीं है, लेकिन वो भी भारतीय एयरटेल, हालांकि शेयर चला हुआ है सर, आपके इस पर व्यू क्या होंगे? नहीं, होल्ड की रेटिंग है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जब तक वो यू नो, क्योंकि ड्रैग क्या है उसका अफ्रीका बिजनेस, और वो एक रहेगा कुछ टाइम के लिए, क्योंकि प्राइसिंग पावर और डेट पे उस पर असर पड़ता है। स्टॉक हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, तभी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ आपको रैली मिले थोड़ा सा बुक कीजिए, और थोड़ा सा रिस्क लेना ही है तो वोडाफोन में डालिए, क्योंकि वहां पे तीनों चीजें आपके साथ है, कैश इन्फ्यूजन, कैपेक्स एक्सपेंशन एंड आरपू राइज। तो भारती मेरे हिसाब से होल्ड है, एंड यू नो जस्ट स्टे, अगर आपके पास है तो स्टे द कोर्स। ठीक है, अगर है तो आप इसमें बने रहिए भारतीय एयरटेल में। स्विच करना अगर चाहते हैं तो एक विकल्प हो सकता है वोडाफोन आइडिया का। ओबेरॉय रियल्टी की बात करेंगे भसीन साहब, नंबर्स इसके अच्छे हैं, प्रॉफिट 64% बढ़ा है, मार्जिन में बहुत सॉलिड इंप्रूवमेंट है, 38% से बढ़कर 60% का। ओबेरॉय रियल्टी के नंबर तो ठीक ठाक लग रहे हैं। ओबेरॉय रियल्टी इसमें क्या करना है, क्या जिसके पास नहीं है क्या वो खरीदे? बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया नंबर है, ये आप शायद आपको पता होना चाहिए, डेट फ्री कंपनी है, इन्होंने कभी कैपिटल रेज नहीं किया और इंटरनल रिसोर्सेज से चलती है। अब स्टॉक सस्ता नहीं है क्योंकि रियल्टी के शेयर्स काफी महंगे भी हो गए हैं और सारा गुड न्यूज भी प्राइस्ड इन है, लेकिन इसके मार्जिन आर्ग्यूबली सबसे बेस्ट आते हैं इंडस्ट्री में, तो मैं कहूंगा होल्ड कीजिए, कोई डिक्लाइन मिले तो लीजिए, क्योंकि आज स्टॉक में सारा कुछ प्राइस में है। मैंने आपको एक और विकल्प भी दिया था, इंडिया बुल रियल इस्टेट मुझे बहुत पसंद है, 2008 की इन्वेंट्री है, उसमें जब आपकी सेलेबिलिटी और मर्जर की तारीख 22 अगर हो गई तो जो कैपिटल इन्फ्यूजन आएगा वो इसको बहुत ऊंचा खेल सकता है, क्योंकि मार्जिन इसमें बहुत स्ट्रांग आएंगे, तो मैं इस शेयर पे काफी बुलिश हूँ। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है और इस पे हमारी बाय रेटिंग है। ठीक है, बाय रेटिंग है इंडिया बुल्स रियल को लेकर। अच्छा, डालमिया भारत शुगर, नतीजे इसके आए हैं कमजोर, चाहे वो मुनाफे की बात हो, चाहे आय की बात हो या फिर मार्जिन की, हर पैरामीटर पर नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। डालमिया भारत शुगर को लेकर भसीन साहब आपके क्या राय है, और क्या इसमें से स्विच करके किसी बड़ी स्ट्रांग शुगर कंपनी में निवेश कर ले? हाँ, मेरे को लगता है इसमें से आप स्विच कर सकते हैं। देखिए, शुगर की इंडस्ट्री के ये क्वार्टर वीकली रिजल्ट आते हैं, जनरली ये ट्रेंड है, ये वीक क्वार्टर होता है। मुझे यहाँ पे DCM श्रीराम, EID पैरी, बलरामपुर चीनी बहुत पसंद है, अगर आपने पोर्टफोलियो बनाना है तो उन तीन शेयरों का बनाइए। डालमिया भारत अगर आप हैं तो बने रहिए, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, मगर मेरे को लगता है वो तीन स्टॉक्स की जो अर्निंग्स और विजिबिलिटी और परफॉर्मेंस है विल बी मच बेटर। ठीक है, बेहतर विकल्प आपके पास है, आप उसमें अपना स्विचिंग कर सकते हैं। मन इंफ्रा, इसके नतीजे भी कमजोर हैं और प्रॉफिट में 29% का गिरावट है, मार्जिन में भी हमने कमी देखी है 1.5% के आसपास की, और आय घटी है 56%,
मन इंफ्रा भसीन साहब, इसमें क्या प्रॉब्लम है और कंपनी आपको कैसी लग रही है ये? नहीं, मैं तो कहूंगा प्रॉफिट बुक कीजिए इसमें, और आपको दो विकल्प दे दिए, इरकॉन रेलवेज का और इंजीनियर्स इंडिया ओएमसीज। ओएमसीज जिस तरह से एक्सपेंड कर रहे हैं, बोनस भी दे दिया, उनके जो इलेक्ट्रिकल काम है, जितना इंजीनियरिंग का काम है, सब इंजीनियर्स इंडिया के पास है, और इरकॉन के पास सारा काम है रेलवेज का। तो ये दोनों शेयर आपके पास, जब आपके सामने सोना पड़ा है, तो आपको क्यों दूसरी चीज में जाना। साथ में PSUs have been the flavor, और मुझे लगता है आगे जाते हुए भी PSUs में और impetus आएगा, तो मैं recommend करूंगा इरकॉन और इंजीनियर्स इंडिया में शिफ्ट कीजिए। ठीक है, EIL में और इरकॉन में शिफ्ट करने की सलाह है। अगला शेयर है रेडिको खेतान। वीक नंबर्स, प्रॉफिट में 26% की गिरावट, रेवेन्यू में 15% की, और मार्जिन में हालांकि इसमें बढ़ोतरी है, लेकिन रेडिको खेतान के साथ दिक्कत ये रही कि इसने पैसे बना के इस साल निवेशकों को दिए नहीं है। वसीन साहब, रेडिको खेतान क्या करें इसमें शेयर में? अरे अभिषेक जी, एक मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, ये 250-300 रुपए शेयर था, 1600 रुपए हो गया, इन्होंने मार्केट शेयर ले लिया। आफ्टर एट जो इनकी ब्रांड है वो बहुत सुपर परफॉर्म करती है। मैं तो पीता नहीं, टी टोटलर हूं, लेकिन इसकी मार्केट शेयर और इसका जो परफॉर्मेंस है बहुत बढ़िया है। आई थिंक इसकी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, तो मैं ये इसमें ये भी कह सकता हूँ कि ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, एक आध क्वार्टर की वीकनेस है। जो मिलेनियल की ड्रिंकिंग चॉइस और अवेलेबिलिटी और एक्सपेंशन है वो तो अनबिलीवेबल है, तभी आपने मैकडॉवल और रेडिको को आउट परफॉर्म देखा है। मैं सोचता हूँ कोई भी डिक्लाइन आए लीजिए, बट लुक फॉर द नेक्स्ट वन ईयर, डोंट लुक फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ। एक आध क्वार्टर वीक होता है बिकॉज ऑफ साइक्लिकलिटी, बट आई थिंक दिस इज अ मस्ट हैव, दिस इंडस्ट्री इज गोइंग टू गो प्लेसेस। तो मैकडॉवल एंड रेडिको बोथ आर बाइज ऑन डिक्लाइन। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडिको खेतान गिरावट पर खरीदारी वाले शेयर हैं। अच्छा भसीन साहब, दो शेयर आपके सामने मैं रखूंगा, एक तो कोलगेट का है, इसके नंबर ठीक लग रहे हैं मुझे, प्रॉफिट 20% बढ़ा है, आय 10% बढ़ी है, मार्जिन भी इम्प्रूव किया है, और दूसरा जो शेयर है वो है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का। इसमें आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि स्पेशलिटी रेस्टोरेंट के नंबर कमज़ोर हैं प्रॉफिट के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो, मार्जिन के फ्रंट पर, क्या करना चाहिए दोनों शेयरों में, कोलगेट में और स्पेशलिटी में? हाँ, तो देखिए कोलगेट, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको और नेस्ले, ये चारों हमारे पोर्टफोलियो और गोदरेज कंज्यूमर, ये हमारी कवरेज में है, लेकिन काफी नीचे भाव से। ऑन ऑल डिक्लाइंस कोलगेट इज अ मस्ट हैव। अगर आप इंडिया की ग्रोथ पे हो तो कोलगेट इज अ मस्ट हैव, गिवन दैट उसकी डेमोग्राफिक प्रीमियम से ही उसकी जो, और ये आज का नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 40 साल से यही करते जा रहा है, हमेशा ग्रोथ रेट अबव द मार्केट, तो एनी डिक्लाइन इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, स्टे इन कोलगेट। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, अगेन मैं कह रहा हूँ ना, साइक्लिकलिटी ज्यादा हो रही है, सो आई थिंक उससे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, निकल सकते हैं। आपको कुछ अच्छे इंजीनियरिंग प्लेस दिए हैं, मुझे एक्सिस बैंक बहुत पसंद है, मुझे HDFC बैंक बहुत पसंद है, तो क्वालिटी नेम में जाइए, क्वालिटी नेम्स विल गिव यू मच मोर सपोर्ट एंड तमाम स्टॉक्स पर व्यू नतीजों के बाद बिल्कुल एकदम फटाफट अंदाज में और बिल्कुल सटीक राय आपके लिए। वसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और अपने शेयर बताने के अलावा इन तमाम शेयरों पर भी हमसे चर्चा करने के लिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।